वो कितने डेसिमल प्लेस तक मेजर करती है, कितने डेसिमल प्लेस तक मेजर करती है? ओनली वन, वन डेसिमल प्लेस ना। ये जो आपने ये जो फाइव लगाया है ना, ये लास्ट में, ये तो गेस वर्क किया है आपने, इसका मतलब करेक्ट वैल्यू क्या है? 2.5 है, करेक्ट वैल्यू इज 2.5। लेकिन आपने देखा कि अरे वो 5 और 6 के बीच में जा रहा है, तो आपने 5 और लगा दिया। क्यों ऐसा उसमें लिखा था क्या? आपने कैसे किया ऐसा? जस्ट अ मिनट बेटा, लेट मी क्लोज द विंडो फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। हाँ, बहुत जल्दी से आवाज आ रही है मेरी आपको? सो तो मैं ये कह रहा था, जो स्केल होती है ना, वो वन डेसिमल प्लेस तक मेजर करती है। आपने ये जो फाइव लगाया ना, वो गैस वर्क है। तो ध्यान से सुनो, ये जो ये मेजरमेंट तो करेक्ट है बेटा, ये जो मेजरमेंट आपने किया है ना, ये जो मेजरमेंट किया है, इस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं इसको। तो सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट। एक अनसर्टेन भी होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए अनसर्टेन डिजिट। गैस वर्क आप ज्यादा नहीं कर सकते। ये 5 और 6 के बीच में आ रहा, तो आपने 5.55 बोल दिया, ऐसा कैसे गैस कर लिया आपने? एक ठीक है, गैस कर भी लिया तो गैस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो मेजरमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सिग्निफिकेंट डिजिट, अच्छा ठीक है, इसके रूल्स होते हैं, मैं रूल समझाता हूँ। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? समबडी आस्क यू, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन मतलब श्योर, इट इज करेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंड वन अनसर्टेन डिजिट। ओके, नाउ इसके रूल्स होते हैं, मैं रूल समझाता हूं, रूल्स जस्ट वेट, मैं पहले रूल समझा देता हूं, उसके बाद कॉपी करिए। रूल्स, रूल नंबर वन, फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो। व्हाट यू मीन नॉन जीरो? विच आर नॉट जीरो, विच आर नॉट अदर देन जीरो, मतलब अदर देन जीरो, ठीक है। डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं अदर देन जीरो, दे आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट डिजिट। ये रूल है, उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे। जैसे कि जैसे यह मैं एग्जाम्पल एक समझाता हूं। सपोज अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं सपोज कर लो, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यह मैं रूल जैसे यह लाइक दिस वे, मैं एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं इधर। जैसे यह अगर मैं जैसे लाइक दिस वे, अच्छा ठीक है, छोड़ क्या, ठीक है, लाइक दिस वे, सब मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल सब मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से 23.73, दो तीन एग्जांपल लेता हूं, 8.5, ठीक है, 1.278, ठीक है, या 1.27, ऐसा कुछ नहीं, 1.27, ठीक है, 53 भी ले लेते हैं। तो देखो आपको डिजिट काउंट करना है, वैल्यू नहीं बेटा, एसडी मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट, एसडी का मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट। हाँ, तो एक बार बताओ, पहले में नॉन जीरो कितने दिख रहे हैं तुमको? कितने नॉन जीरो दिख रहे हैं? दैट इज 4, तो आंसर 4 आ जाएगा इसका, आंसर विल बी 4, तो इसमें 4 आंसर है। दूसरे में कितने दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स हैं, तो 5, तो 4, 5। थर्ड में कितना है? 1, 2, 3, तो 3, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से मैं ले रहा हूं 27, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 3, हाँ सॉरी 2, करेक्ट। तो जितने भी नॉन जीरोस होंगे ना, दे आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट डिजिट।
पहला रूल समझना है सबको, एवरीबडी? यस ओके। सेकंड रूल देखो, यस ही सेकंड रूल, रूल नंबर टू, ऑल जीरोस, अब जीरो की बात कर, जीरो में प्रॉब्लम आती है, ऑल जीरोस बिटवीन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो अगर जितने भी जीरोस नॉन जीरोस के मिडिल में आते हैं, मतलब उनके बीच में आते हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसिडर किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो देखो जरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल सीओ, जस्ट ए मिनट, लेट मी क्लोज द विंडो बेटा, एक सेकेंड। ओके यस हियर, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल, हां अगर मैं इस तरह से लूं, लेट्स से 2090.03 4008, ठीक है, लाइक दिस वे, ऐसे मैं दो एग्जांपल लिए, लेट्स से। सो ये जो जीरोस आ रहे हैं ना, पहला वाला जीरो जो है 209 के मिडिल में आ रहा है, और बाकी दो जीरोस है 903 के मिडिल में आ रहा है, इसी तरह तो इनके जो इसमें जीरो काउंट हो जाएंगे, तो अगर जीरोस नॉन जीरोस के बीच में आते हैं तो काउंट हो जाते हैं। तो पहले में कितना रूल हो, कितना हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा, फिर दूसरे में 1 2 3 4 4 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको रूल नंबर टू? आपने कोई वैल्यू निकाली, अगर जीरो बीच में आ रहे हैं तो कंसिडर हो जाएंगे। ओके नाउ थर्ड रूल, अब प्रॉब्लम जीरो पे आएगी, अगर जीरो पे लीडिंग जीरोस, मतलब लीडिंग जीरोस का मतलब क्या हो गया, लीडिंग और ट्रेलिंग दो वर्ड होता है, लीडिंग मतलब आगे वाले, मतलब आगे वाले जो पहले लगा, हाँ जो लीड कर रहे हैं, मतलब आगे लगे हुए हैं, जैसे इलेक्शन में नहीं बोलते हैं, ये जो पर्सन है वो लीड कर रहे हैं, लीड मतलब आगे है, ट्रेलिंग मतलब, ट्रेलिंग मतलब पीछे, ठीक है। तो लीडिंग जीरोस आर आर नॉट सिग्निफिकेंट, जीरोस आर ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, आर नॉट सिग्निफिकेंट, उनको सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करें, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट, इज इट क्लियर? इसका जस्ट रूल क्या होगा, रुकिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लू, सपोज कर लो, जैसे आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, लेट से इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट से 0.0034, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ठीक है, या फिर 0.0291 या 0.5603, ठीक है, लाइक दिस वे। हाँ एक मिनट, एक और लेता हूं, दिस वन, हाँ 20906, हाँ, अब इसमें देखो जो स्टार्टिंग में जीरो लगे हुए हैं वो काउंट नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आएगा, फर्स्ट वन में ओनली टू, थ्री एंड फोर दो ही तो है बस, दैट इज ओनली टू। हाँ ये जो स्टार्टिंग के दो जीरो लगे वो काउंट नहीं होंगे, हाँ लेकिन ये बाकी के दो जीरो काउंट हो जाएंगे क्योंकि वो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, टू भी काउंट हो जाएगा नेक्स्ट जीरो, 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, लेकिन पहले वाले दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, फिर 5603, तो पहला वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ओनली 4, ये समझ में आया ना, स्टार्टिंग वाले जीरो काउंट नहीं होते, रूल नंबर 3 समझ में आया?
ओके फोर्थ रूल, ठीक है जी, जस्ट सी द फोर्थ रूल. ट्रेलिंग जीरोस पे आते हैं. ट्रेलिंग जीरोस पे आते हैं, इस पे बहुत सारे रूल्स हैं. ट्रेलिंग जीरोस मतलब ट्रेलिंग मतलब बाद में आने वाले, ट्रेलिंग जीरोस के लिए रूल्स हैं. नंबर वन, इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट है, इफ डेसिमल इज प्रेजेंट देन ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तब उनको काउंट कर लें. देन ट्रेलिंग जीरोस जो बाद में जीरोस आ रहे हैं आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेंगे. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कर लो 36.00, या फिर एक और एग्जांपल लेता हूं 0.3600 लाइक दिस वे, ठीक है, या 0.3 हाँ चलेगा 30 लाइक दिस वे. तो क्या होगा, अब ये काउंट हो जाएंगे लास्ट वाले, क्यों, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है. अगर डेसिमल के बाद जीरोस आते हैं ना तो उनको मतलब वो सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब डेसिमल के बाद जीरो लगाना है कि मतलब ये होता है कि वो डेसिमल प्लेस में जा रहा है, वो काउंट होता है. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग. तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. दूसरे वाले में देखो, पहला वाला जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो तो लीडिंग है, लीडिंग वाले कभी काउंट नहीं होते. हाँ, लेकिन डेसिमल लगा हुआ है तो बाद वाले काउंट हो जाएंगे 4. अगेन पहला वाला काउंट नहीं होगा लेकिन लीडिंग ट्रेडिंग वाले काउंट हो जाएंगे, दैट इज 3 and 0, दैट इज 2. देख लो ना, ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट समझ में आया. अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट है, ट्रेलिंग मतलब जो लास्ट में आते हैं. इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक रूल, इसमें 2-3 रूल है. जैसे सेकंड रूल, वन मोर थिंग, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट देन, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, अगर आप कहेंगे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तब सर क्या होगा, तब उसमें फिर 2 रूल आ जाएंगे. देन अगेन देयर आर 2 रूल्स, इफ नंबर इज मेजरमेंट, अगर नंबर कोई मेजरमेंट है, इफ नंबर इज अ मेजरमेंट देन ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, देन ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूं एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, लेट्स से 2400 मीटर, आर यू गेटिंग, 2400 मीटर, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ठीक है, तब ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा. मतलब फिर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये मेजरमेंट है, मीटर लगा हुआ है ना आगे. हाँ, लेकिन अगर डेसिमल भी नहीं प्रेजेंट है और उसके आगे मीटर भी नहीं लगा, देन तब क्या होगा, रुकिए. अब इसका सेकेंड रूल, इफ नंबर इज नॉट अ मेजरमेंट, अगर नंबर मेजरमेंट नहीं है, देन इफ नंबर इज नॉट अ मेजरमेंट, is not measurement, then trailing zeros are not significant, then trailing zeros are not significant digit, not significant digit, significant digit. ठीक है, तो जैसे मैं example ले रहा हूं, suppose अगर मैं example ले लूं, सिर्फ just only 2400, अब इसमें डेसिमल भी नहीं है, कुछ मीटर वगैरह भी नहीं लगा है, तो फिर अकाउंट नहीं होगा. अब डेसिमल होगा तो भी कर लेते, मीटर लगा होता तो भी कर लेते, लेकिन ना तो डेसिमल लगा है ना मीटर लगा हुआ है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट एसडी मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी, ओनली 2. ये लास्ट वाला रूल समझ में आया. देखो, ट्रेलिंग जीरो में 3 रूल है, अगर डेसिमल लगा है तो बाद वाले जीरो अकाउंट हो जाएंगे. क्लियर?
नंबर टू, अगर डेसिमल नहीं लगा है तो उसमें फिर दो रूल होगा, अगर वो मेजरमेंट है तो उसको अकाउंट कर लेंगे और मेजरमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक लास्ट रूल, लास्ट टू, फिफ्थ वन, रेज टू पावर 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। रेज टू पावर 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर 10 की पावर में कुछ रखोगे तो उसका मतलब नहीं होता, नॉट सिग्निफिकेंट, नो, नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻¹¹। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ठीक है, तो ये जो 10⁻¹⁰ में ये सब जो लगा हुआ है उसके कोई मतलब नहीं होता, नो, वो अकाउंट नहीं होगा। इसी क्लियर? कुछ भी 10⁻¹⁰ में लिखा जाएगा तो वो अकाउंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ जाएगी, पहले में हो जाएगी 667 ओनली 3, और दूसरे में 106 मतलब 2 हो जाएगी। मतलब 10⁻¹⁰ को हम कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। Have you understood all the rules? Yes, sir. Open up these rules. Rules copy कर लीजिए, just here. Open up the rules. Significant figures and significant digits, they are the same thing. So we need to rule number third. बेटा आपका माइक्रोफोन का वॉल्यूम बहुत कम है, थोड़ा स्पीड माइक्रोफोन का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे क्या? रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो स्टार्टिंग में लगे हैं तो नहीं आएगा, वो नहीं काउंट होगा। रूल नंबर थर्ड इज वेरी सिंपल, मतलब अगर कोई आप लिख रहे हो कोई नंबर और स्टार्टिंग में ही जीरो लगा रहे हो तो नहीं, वो काउंट नहीं होगी, नो, नेवर। इज इट क्लियर? तो कॉपी द रूल्स, रूल्स कॉपी कर, रूल्स कॉपी करिए चलेगा, और कभी कॉपी करने की जरूरत। मुझे जरा वॉल्यूम बंद करके,
डू वन थिंग, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? बट टुमारो आई विल कंटिन्यू, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं पे सिग्निफिकेंट डिजिट तक स्टॉप करते हैं, कॉपी एंड एग्जिट, ठीक है? थैंक यू. हेलो सर. हाँ यस. हाँ विनोद, आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? विनोद मुझे हेलो करके भेजो, मैं भेजता हूँ तुम्हें. सर आपका फोन